क्या 2024 के लिए बीजेपी आरएसएस का सबसे मजबूत हथियार फेल होता हुआ दिख रहा है, यानी सबसे बड़ी मिसाइल धुआं छोड़कर फुस होती हुई दिख रही है, और अब प्रयास हो रहा है कि उसी धुएं के दम पर चुनाव की तैयारी कर ली जाए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पूरे देश में 2002 वाला गुजरात मॉडल लागू करने की प्लानिंग हो चुकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कुछ उदाहरण आप जब देखेंगे तो सब साफ हो जाएगा। कुछ जमीनी रिपोर्ट सामने आई है जिसे जितनी जल्दी हम और आप समझ लें, देख लें, उतना बेहतर होगा, अन्यथा पछताने का मौका भी शायद न मिले। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए खुद से सवाल करिएगा कि क्या 2024 का चुनाव लाशों पर चढ़कर जीतने की तैयारी है। इसके साथ ही बात करेंगे उस परिवार की जहां हाल ही में देश के प्रधानमंत्री चाय पीने पहुंचे थे। एक इंटरव्यू में इस परिवार के लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर आपको शोले फिल्म याद आ जाएगी। ये मामला जरूर सुनिएगा। उधर ईवीएम समेत तमाम चुनावी झोलझाल के मुद्दों को लेकर सैम पित्रोदा और सिविल सोसाइटी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है 2024 चुनाव को लेकर। अच्छा, एक बात और आपको पता चली कि नहीं, हम और आप अब तक बिना आत्मा वाले देश में रह रहे थे, यानी मुर्दा देश में रहा करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही इस देश में आत्मा का प्रवेश हुआ है, एंट्री हुई है। इस प्रवेश को अच्छे से जान लीजिए, लेकिन हाँ, जानने के बाद थैंक यू फलाने जी बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि साहेब श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध से भी ऊंची कुर्सी पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर बात करेंगे। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, कृपया ध्यान से और पूरा देखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इस चैनल को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होता है, इसीलिए पहले ही कर लिया करिए। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कहेंगे कि शुभकामना देते वक्त ये कैसी तस्वीर दिखाई जा रही है, तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। ये ठीक वैसे ही तस्वीर दिखाई जा रही है जिस तरह का गणतंत्र हमारे देश में अभी मौजूद है। लेकिन जब तक टूटा फूटा ही सही, कागजों में ही सही, सिर्फ बातों में ही सही, जब तक इन टूटे फूटे खंडहरों में तिरंगे के डंडे को संभाल कर खड़ा करने की ताकत है, कम से कम तब तक गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। वैसे लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि जब 4 दिन पहले ही इसी देश में देश के मुखिया द्वारा संविधान को तार तार किया गया है, संविधान के मूल्यों को इतिहास बनाने की जिद में और कुर्सी बचाने की जुगाड़ में कुचला गया है, तब फिर से ऐसे में काहे का गणतंत्र। हम सब देख रहे हैं कि 4 दिन पहले ही जो काम देश के प्रधानमंत्री ने किया, उसी का निचला और विस्तारित रूप पूरे देश में हिंसा के रूप में देखने को मिल रहा है। चारों तरफ से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो सरेआम संविधान के मूल्यों पर थूक रही हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ जा रही हैं जो ढांढस बढ़ाती हैं और कहती हैं कि मायूस न हो मेरे दिल, धड़कने अभी जिंदा हैं। इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तस्वीर में वो आतंकी है जो खुद को हिंदुत्व का रक्षक और परम देशभक्त साबित करने के लिए कभी मस्जिद तो कभी चर्च के ऊपर चढ़ जाते हैं, धर्म विशेष का झंडा फहराते हैं, मस्जिदों के सामने डीजे लगाकर फूहड़ गाने बजाते हैं, अपनी आतंकी मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें देखकर पूरा देश रो रहा होता है। और दूसरी तरफ से इस तरह की भी तस्वीरें आ रही हैं जहां मस्जिद की मीनारों पर ऊपर तिरंगा फहराया जा रहा है। इस देश में पैदा होने वाला कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जो अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करता। दरअसल दूसरों पर देशद्रोह का ठप्पा लगाने वाला वही आतंकी मानसिकता का व्यक्ति है जो इस जमीन से सिर्फ और सिर्फ लेना जानता है, चाहे उसके लिए भले ही किसी के खून से जमीन सींचकर फल उगाना क्यों न पड़ जाए। भारत का लोकतंत्र किस तरीके से ठोक तंत्र बनता जा रहा है और गणतंत्र किस तरीके से गणतंत्र बनता जा रहा है, यानी बंदूक तंत्र बनता जा रहा है, थोड़ी ही देर में आपको सारी कहानियां बताऊंगा जो सीधे सीधे गुजरात मॉडल से मेल खाती हैं। मगर उससे पहले एक अच्छी खबर सुन लेते हैं जो उम्मीद का किरण लेकर आती है। मोहम्मद जुबैर, जो कि ऑल्ट न्यूज नाम से पोर्टल चलाते हैं, इनके बहुत सारे और साथी हैं जिनमें अक्सर प्रतीक सिन्हा का नाम आता है, उन्हें तमिलनाडु की सरकार ने, यानी मोहम्मद जुबैर को तमिलनाडु की सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए सम्मानित किया है। मोहम्मद जुबैर ने पिछले कई सालों से लगातार जिस स्तर पर जाकर देश को झूठ और सांप्रदायिक जहर से बचाने का प्रयास किया है, वो करना आज की तारीख में बड़ी हिम्मत का काम है। जिस वक्त में राजनीति के बड़े बड़े पुरोधा ईडी, सीबीआई और मोदी सत्ता के सामने लोटासन करने लगते हैं, उस वक्त में मोहम्मद जुबैर नाम लेकर इस नाम के साथ एक नौजवान कथित तानाशाही सरकार से बिना डरे लगातार देश को झूठ से बचाने और नफरत से निकालने का प्रयास करता है। मोहम्मद जुबैर किसी भी सरकार के पक्ष में या किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करते, बल्कि झूठ के खिलाफ काम करते हैं। हाल ही में हमने आपको बताया था कि झूठी खबरें फैलाने के मामले में भारत नंबर 1 है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झूठी खबरें भारत में चलती हैं, और जुबैर ने पिछले कई सालों से इसी झूठ से देश की जनता को बचाने का प्रयास किया है। उनका काम बहुत कठिन है, यह दूर से ही समझ में आता है। वैसे तो जुबैर का काम
सिर्फ और सिर्फ झूठ के खिलाफ है। लेकिन जो राजनीतिक दल और जो संगठन झूठ के दम पर ही जीते हैं, झूठ के प्रसार से ही जिनकी सांसें चलती हैं, जिनकी धड़कनें चलती हैं, जुबैर का काम सीधे सीधे उनके खिलाफ हो जाता है। इसीलिए आईटी सेल के गुर्गे और एक राजनीतिक विचारधारा के लोग हमेशा जुबैर के दुश्मन बने रहते हैं। पिछले दिनों आपने ये भी देखा, मोहम्मद जुबैर को कथित अनर्गल मामले में ही उठाकर महीनों के लिए सरकार ने जेल में डाल दिया। लेकिन जुबैर उससे भी नहीं टूटे। जनता से आर्थिक समर्थन लेकर लोगों के पैसों के दम पर चलकर जुबैर लगातार इस देश के लिए काम करते जा रहे हैं। एक तरफ गोदी मीडिया का लंबा चौड़ा लश्कर है, सैकड़ों लपड़झंडिस हैं, आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सब कुछ है। लेकिन इन सब के झूठ के ऊपर अकेला मोहम्मद जुबैर भारी पड़ जाता है। हमारी तरफ से भी मोहम्मद जुबैर को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और उससे भी ज्यादा बधाई तमिलनाडु की सरकार को, जो झूठ के बाजार में सच्चाई निकालने वालों को सम्मान दे रही है। तानाशाह जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, ये नारा आप अक्सर विरोध प्रदर्शन में सुनते होंगे। सवाल यह है कि क्या इस देश में एक दूसरा नारा शुरू हो गया है, और वो ये है कि मोदी साहब जब जब डरते हैं गुजरात मॉडल को आगे करते हैं। जी हाँ, पिछले कुछ ही दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से 2002 वाला गुजरात मॉडल देखने को मिला है। आप सब जानते हैं हाल ही में 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हालांकि हिंदू धर्म को परिभाषित करने वाले शास्त्रों के पुरोधाओं ने सीधे सीधे इसे नकार दिया और राजनीतिक कार्यक्रम करार दिया, मगर फिर भी राजनीति का रथ थमा नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने तमाम संवैधानिक मूल्यों को तार तार करते हुए राजनीति का धार्मिक कार्ड खेलने का भरपूर प्रयास किया। यह प्रयास अभी भी जारी है और लगातार जारी रहेगा। लेकिन यह अलग बात है कि जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश थी और जितना शोर शराबा मचाया गया, वो दूसरे ही दिन थम सा गया। जानकारों का मानना है कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राम मंदिर का मुद्दा अचानक बैठ जाएगा, संठ मारकर हाथी की तरफ बैठ जाएगा। यदि आप सोशल मीडिया पर ही गौर करें तो अचानक से लोगों की रुचि इस मुद्दे से हट गई है। ऐसा लग रहा है कि शंकराचार्यों की वो बातें सही हो गई हैं कि यदि इसे चुनाव के लिए ही किया जा रहा है तब तो अभी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी तो एक बहाना भी है कि मंदिर का उद्घाटन करना है। जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तब आप क्या बहाना लेकर लोगों के पास जाएंगे? तब तो लोग यही सोचेंगे कि मंदिर का तो काम हो ही गया है, चलो अब दूसरे मुद्दों पर चलते हैं। और जिस तरीके का सोशल मीडिया पर बदलाव देखने को मिल रहा है, यह कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके तमाम संगठनों का जो प्रयास था कि राम मंदिर का मुद्दा इतनी मजबूत चद्दर तैयार करेगा कि उसकी आड़ में सारे मुद्दों को दबाया जा सकेगा, वो चद्दर दूसरे दिन से ही फटनी शुरू हो गई है। हालांकि इसमें छेद पहले ही शंकराचार्यों ने कर दिया था, लेकिन अब चर्चाएं हो रही हैं कि राम मंदिर की जो मिसाइल बीजेपी के लिए फुस होती हुई दिख रही थी, क्या उसके धुएं से, उसकी चिंगारियों से पूरे देश में आग लगाकर हिंसा का माहौल तैयार करके गुजरात मॉडल लागू करने का प्रयास हो रहा है? 4-5 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। गुजरात मॉडल को भी याद करते रहिएगा। साल 2002 में गुजरात में भयंकर दंगे हुए थे या करवाए गए थे। मशहूर पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि दंगे होते नहीं, करवाए जाते हैं, दंगे गढ़े जाते हैं। सैकड़ों लोगों की मौत गुजरात दंगों में हुई थी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब मारे गए थे। न जाने कितनी महिलाओं की किस्मत लूटी गई। उन्हीं में से एक बिल्किस बानो भी थी, जिनके परिवार के हत्यारों और उनके बलात्कारियों को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर फ्रॉड करके समय से पहले रिहा कर दिया। हालांकि बिल्किस की मेहनत रंग लाई, एक बार फिर से वो सारे बलात्कारी जेल में हैं, हत्यारे जेल में हैं। लेकिन गुजरात में 2002 के दंगों से संबंधित कुछ बातें निकल कर आती हैं जो हाल फिलहाल में मुंबई में देखने को मिली हैं। हालांकि हमने पहले भी कहा था कि जिन राज्यों में भी भाजपा को राजनीतिक कमजोरी नजर आएगी, वोटों की कमजोरी नजर आएगी, वहां पर भरपूर आग देखने को मिल सकती है। ठीक वैसी ही सूरत देखने को मिल भी रही है। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है और 23 तारीख को मुंबई के मीरा रोड सेक्टर 5 में 200 से 300 लोगों की भीड़, जो 20 साल की उम्र के आसपास के थे, कुछ नकाब पहनकर, कुछ मुंह खोले आतंकियों के रूप में निकल पड़े। और इन आतंकियों ने उसी रास्ते को अपनाया जो रास्ता 2002 में अपनाया गया था। उस वक्त भी आरोप लगे थे कि दंगों से पहले ही धर्म विशेष के लोगों से संबंधित घरों पर निशान लगाया गया था और बाद में उन्हीं घरों पर हमला हुआ था। अभी दवायर की टीम ने जब मीरा रोड स्थित दुकानदारों से बातचीत की तो पता चला कि जिन भी दुकानों पर जय श्री राम लिखा हुआ झंडा लगा था उन्हें छोड़कर बाकी सभी दुकानों पर हमला किया गया। 13 साल से बुटीक चलाने वाले शमशेर ने दवायर को बताया कि उनकी दुकान में हमले की वजह से उनका बेटा और एक रिश्तेदार घायल हो गया। और खास बात यह रही कि 20 मीटर की दूरी पर ही पुलिस खड़ी थी, लेकिन पुलिस ने भीड़ को रोकने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि पुलिस भीड़ की सुरक्षा के लिए वहां खड़ी है कि दंगाइयों को कोई चोट न पहुंचा पाए। अब याद करिए, गुजरात दंगों से संबंधित मामलों का जब आप पढ़ेंगे तो साफ साफ बताया जाता है कि पुलिस दंगाइयों को संरक्षण दे रही थी, पुलिस के सामने ही सब कुछ होता था। और ऐसे कई वीडियो सबूत भी सामने आए जिसमें दंगाई खुद ही स्वीकारते थे कि हमने पुलिस अधिकारियों से मदद ली, पुलिस वालों ने हमारी मदद की दंगा करने में। हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी
की थी गुजरात दंगों को लेकर, उसमें उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां की सरकार को जवाबदेह ठहराया गया था। हालांकि मोदी सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री को इमरजेंसी कानून लगाकर बैन कर दिया और उसके बाद बीबीसी के कार्यालयों पर छापेमारी हुई, ये भी आपने देखा। यानी गुजरात दंगों में जिन दो चीजों का प्रयोग हुआ था, पहला तो ये कि दुकानों और मकानों को चिन्हित करने वाला, उस समय एक विशेष निशान बनाए जाने की बात थी और अब झंडा लगाने की बात सामने आ रही है। दूसरा, पुलिस के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। पुलिस के संरक्षण और पुलिस की संवेदनहीनता की कहानी दिल्ली दंगों में भी सामने आई थी। याद करिए, जिस राजधानी में देश की पूरी राजनीति रहती है, उन राजनेताओं के घरों से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही दिल्ली 3 दिनों तक जलती रही। देश के सारे अधिकारी, सारे नेता पता नहीं क्या पीकर सो रहे थे। द वायर की इस रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि तमाम दुकानदार मिलकर जब पुलिस के पास FIR दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस वालों ने बहुत आनाकानी की। ढेर सारे सबूत पेश करने के बाद भी कहीं जाकर 4 FIR दर्ज हो पाई, पुलिस वाले सुन ही नहीं रहे थे। द वायर ने बहुत सारे दुकानदारों से बात की, सबकी कहानी लगभग एक जैसी थी। हमले में ज्यादातर मुसलमानों की दुकानों को टारगेट किया गया, कुछ दुकानें हिंदुओं की भी चपेट में आ गई जहां भगवा झंडा नहीं लगा था, और कुछ ऐसे दुकानदार भी चपेट में आ गए जो मुस्लिम नहीं थे लेकिन दाढ़ी वगैरह देखकर आतंकियों ने उन्हें मुस्लिम समझा, उनकी दुकानों पर भी हमला कर दिया। अब यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना अचानक नहीं हुई है, सुनियोजित तरीके से करवाई गई है। एक और विशेष कहानी निकल कर आई है, उसे भी सुन लीजिए। बताया जा रहा है कि पहली घटना 21 जनवरी की रात 10:30 बजे हुई, जिसमें कुछ लोग मुस्लिमों की गलियों में जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, और जिस गली में यह सब कुछ हो रहा था वो गली दूसरी तरफ से बंद थी, यानी आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। द वायर की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो आतंकी इस तरह का काम कर रहे थे, इन सब ने पूरी साजिश के तहत जानबूझकर वहां लोगों को भड़काने का प्लान सेट किया था, ताकि कुछ भी करके इन लोगों को भड़काया जाए और फिर दंगा किया जाए। अब आप खुद ही कल्पना करके देखिए, आपके दरवाजे पर रात के 10:30 बजे हुड़दंग मचाया जाएगा और आपको चिढ़ाते हुए नारे लगाए जाएंगे, उकसाया जाएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या ये आतंकी गतिविधि नहीं है? आतंक और आतंकवाद की परिभाषा क्या होती है? यही तो कि आपकी हरकतों से लोगों के मन में डर पैदा हो। मगर दुख की बात यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को इन आतंकियों ने आतंक का पर्याय बनाने का प्रयास किया है। जय श्री राम के नारे से लोगों को डर लगने लगा है, ठीक वैसे ही जैसे ISIS जैसे आतंकियों के नारे से लोगों को डर लगता है। लोगों ने बताया कि रात की हिंसा की वीडियो का स्थानीय भाजपा नेताओं ने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए प्रयोग किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था बिगड़ने वालों को कार्यवाही की धमकी दी। एक पक्ष के लोगों पर भरपूर कार्यवाही होती हुई दिखी, जबकि भाजपा के नेता जो सरेआम सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें कह रहे हैं, भड़काऊ ट्वीट कर रहे हैं, उनके ऊपर कहीं कोई कार्यवाही नहीं होती है, वो सब छुट्टा सांड की तरह घुमाए जा रहे हैं। इसके बाद आपने देखा किस तरीके से कहीं किसी को नग्न करके जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, किसी के साथ भयंकर मारपीट करके उसका वीडियो सामने आ रहा है, कहीं मस्जिद पे चढ़ के डीजे बजाया जा रहा है, तो कहीं चर्च के ऊपर भगवा झंडा फहराया जा रहा है। सवाल यह है कि जब तुम्हें चर्च और मस्जिदों के सामने ही नाचना था, वहीं पर जय श्री राम का नारा लगाना था, तो फिर अयोध्या में मंदिर बनाने की लड़ाई क्यों थी? यानी चारों तरफ से गुजरात मॉडल की झलकियां सामने आ रही हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि जिस तरीके से भाजपा के मंदिर वाले मिसाइल का धुआं निकला है, आने वाले दिनों में गुजरात मॉडल की झलकियां और ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में देश की आम जनमानस को सावधान रहने की जरूरत है। जो नौजवान जवानी के जोश में आतंकवादी बनने को तैयार हैं, उन्हें गुजरात दंगों में आतंकी का रोल निभाए इस मोची को देख लेना चाहिए। ये आज भी जूते सिलता है, रोता है, बिलखता है। सोशल मीडिया पर इसका इंटरव्यू उपलब्ध है। इतिहास से जो नहीं सीखता उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। नौजवानों को इस व्यक्ति का इंटरव्यू देखना चाहिए कि उस समय के गुजरात की मोदी सत्ता के बारे में इस मोची ने क्या कहा है। ये व्यक्ति साफ साफ कहता है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ करवाया और जिनके इशारों पर हमने सब कुछ किया, वो तो राज्य की सत्ता से निकलकर केंद्र की सत्ता में पहुंच गए, लेकिन हमारे जैसे लोग जो खून के प्यासे थे, जिनकी तस्वीरें एक वक्त में दुनिया भर की पत्रिकाओं में छप रही थी, वो आज भी जूता सी रहे हैं। एक और बात, आप सभी को भारत के पहले गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो थोड़ी देर पहले हमने शुभकामना दी थी और फिर ये पहला गणतंत्र दिवस कैसे हो गया? तो ये मेरे लिए पहला नहीं है, ये बीजेपी के लोगों के लिए पहला हो सकता है और मोदी सरकार के लोगों के लिए पहला जीवित गणतंत्र समझ में आ रहा है, क्योंकि राम मंदिर कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और इसमें जो बातें कही गई हैं, एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं, सुन लीजिए। इसमें जो कहा गया है वो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मोदी सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री की खूब सारी सराहना करते हुए कह रहे हैं कि भारत में ऐतिहासिक कार्य तो बहुत बार हुए, लेकिन जब से कैबिनेट बनी है और ब्रिटिश वायसराय के समय को भी यदि जोड़ लें
तो भी ऐसा अवसर अब तक भारत के सामने नहीं मिला। यानी राम मंदिर वाला कार्यक्रम भारत में हुए अब तक के सभी अवसरों के ऊपर हो गया है। मोदी सरकार के अनुसार इन्होंने यहां तक लिख दिया है कि 1947 में इस देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इसमें आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा अब हुई है। यानी ये देश 1947 के बाद से अब तक बिना आत्मा के ही चल रहा था, मुर्दा था, हम सब मुर्दा देश में पैदा हुए। अब इसको सुनने के बाद आपको कंगना रनौत की वो बातें हल्की लगेंगी, आपको लगेगा कि वो तो बहुत छोटी बात कह रही थी, बचकानी बात कह रही थी, असली बात तो अब इन लोगों ने कही है, सरकार ने कही है। चाटुकारिता और लोटासन की भी एक सीमा होती है, लेकिन अंधभक्तों, गोदी मीडिया और चाटुकारों के बाद मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी लोटासन की सारी सीमाओं को पार कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को जननायक के साथ साथ नव युग प्रवर्तक के रूप में भी स्थापित करने की कोशिश हो रही है। अब युग प्रवर्तक किसे कहा जाता है ये आप समझ लीजिए। हालांकि हिंसा, नफरत, झूठ, फरेब, फ्रॉड को नवयुग कहा जाए तो बिल्कुल है। यदि इन सारी चीजों को नवयुग कहा जा रहा है तो निश्चित ही भक्तों के भगवान नवयुग के प्रवर्तक हैं। वरना ये कैसे हो सकता है कि जिस परिवार में खाने को अनाज न हो, परिवार हफ्तों से कर्जा लेकर चल रहा हो, जिस परिवार में खाने के बाद जाने की भी सुविधा न हो, यानी शौचालय की सुविधा न हो, उस परिवार के लोग प्रधानमंत्री के जूठे कप को भगवान के बगल में कैसे रख सकते हैं? यही तो नवयुग है। आपने शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसी का वो सीन देखा होगा जिसमें अमिताभ अपने दोस्त की शादी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, दोस्त की तमाम बुराइयों को भी सामने रखते हैं और कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है। ठीक वैसे ही अयोध्या में 30 दिसंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां पर 29 दिसंबर को मीरा नाम की एक महिला को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला था और वो 10 करोड़वीं लाभार्थी थी। प्रधानमंत्री मोदी इस महिला के घर में चाय पीने पहुंचे थे और जिस कप में इन्होंने चाय पी थी उस महिला ने उस कप को धो धा के भगवान की तस्वीरों के बगल में रख दिया है। बहुत अच्छी बात है, यदि आप किसी को इतना सम्मान दे रहे हैं तो देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस सम्मान के पीछे जो नवयुग है उसको समझना बड़ा जरूरी है। इस परिवार के लोग ऑन कैमरा बता रहे हैं कि ये रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, कोई अस्थाई नौकरी नहीं है, काम नहीं है, काम मिला तो ठीक ठीक नहीं तो बेरोजगारी की डायन इनके कपार पर सवार रहती है। सरकारी मदद से घर बना है, घर की स्थिति क्या है इन तस्वीरों में देखते रहिए। खाना बनाने की जगह पर प्रकाश नहीं है, टॉर्च जलाकर खाना बनाती है, कारण है बिजली का बिल। घर में एक ही बल्ब जलता है क्योंकि दूसरा बल्ब जलाने की औकात नहीं है, बिल भरने की क्षमता नहीं है। इनके घर में शौचालय तक नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि यदि प्रधानमंत्री चाय पीने गए थे, उन्हें शौच जाने की जरूरत पड़ जाती तो कहां जाते, पड़ोसी के घर में जाना पड़ता। बहरहाल ये महिला अपने पति की नौकरी के लिए गुहार लगा रही है, कहीं कोनो नौकरी मिल जाए तो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, परिवार चल पाएगा। ये भी बता रही है कि जब से प्रधानमंत्री जी इनके घर आए हैं तब से आए दिन अलग अलग लोग मिलने आते हैं, बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं। अब जब लोग मिलने आते हैं तो हम भी सारा काम धंधा छोड़कर लोगों से मिलने बैठ जाते हैं। पति का लगभग एक महीने से काम धंधा चौपट है, कर्जा लेकर खाना पीना चल रहा है, मगर इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री का जूठा कप और प्लेट भगवान के बगल में रखा हुआ है, यही नवयुग है। वहीं आलोचक ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी जिनके यहाँ चले जाते हैं वहाँ बर्बादी आ जाती है, बेरोजगारी छा जाती है, पनौती लग जाती है। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री जिस घर में जाएं कम से कम उनका जीवन तो बदल जाए। हालांकि पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था इलाहाबाद में प्रधानमंत्री ने जिन लोगों का पैर धोया था वो लोग खटिया पर पड़े पड़े सड़ रहे थे, इलाज का पैसा नहीं था, बच्चों को खाने के लिए रोटी नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री जिन भी लोगों से मिलते हैं उनका भी ख्याल अधिकारीगण नहीं रखते हैं? ये उस आम आदमी, उस गरीब जनमानस का अपमान है या फिर देश के प्रधानमंत्री का अपमान है? ये महिला ये भी कह रही है कि प्रधानमंत्री मांझी परिवार में आए, इससे मांझी लोगों की इज्जत बढ़ गई, जबकि इनसे पूछा जाना चाहिए कि वाराणसी के घाटों पर जो हजारों की संख्या में नाव चलती है वो किस समाज के लोग हैं जो मोदी सरकार का विरोध करते हैं, जो अपनी आजीविका पर लात न मारने की गुहार लगाते हैं? क्या उससे भी मांझी समाज का सम्मान बढ़ता है? उसी अयोध्या में घर तोड़े जाने, मकान तोड़े जाने, दुकान तोड़े जाने को लेकर न जाने कितने लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। कितना अच्छा होता प्रधानमंत्री उन सब से मिलकर कम से कम पीएम से मिलने का सुख ही प्रदान कर देते। बाकी मिलने के बाद गरीबों का क्या होता है वो तो आप देख ही रहे हैं। ये खबर न्यूज लॉन्ड्री के लोगों ने की है, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। देश में हाल ही में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों को लेकर उत्सुकता से ज्यादा घबराहट है सभी के भीतर, वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आम जनता हो, सब घबराए हुए हैं। लोगों का कहना है कि
सत्ता पक्ष यानी मोदी सरकार इसलिए घबराई हुई है कि 10 साल का जो कर्मकांड है, सत्ता बदलेगी तो वो खुलेगा, और जब वो खुलेगा तो बहुत सारे लोगों के लिए जेल का दरवाजा भी खुलेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा घबराहट सत्ता के भीतर है। अगली घबराहट तमाम विपक्षी दलों के ऊपर है जो ईडी और सीबीआई के प्रकोप से घबराए हुए हैं। कभी बंगाल, कभी पंजाब, कभी बिहार से खबर आ रही है कि फलनवा नेता विपक्षी गठबंधन को छोड़कर ढिमकनवा नेता के पीछे भाग रहा है, डर रहा है कि ईडी का डंडा न पड़ जाए। उधर देश की जनता है जो सबसे ज्यादा घबराई हुई है चुनावी प्रक्रिया को लेकर। देश में एक बड़ी आबादी ईवीएम को लेकर परेशान है। लोगों का मानना है कि ईवीएम से बिल्कुल भी चुनाव नहीं होना चाहिए, और यदि मशीन से चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। ऐसी आशंकाएं लोगों के मन में भर गई है, और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से तकनीकी जानकारों ने ईवीएम और वीवीपैट का लाइव डेमो करके घोटालों का प्रदर्शन किया है, उसके बाद लोगों के मन में घबराहट और ज्यादा बढ़ गई है। अब सिटीजंस कमीशन ऑन इलेक्शन और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की निगरानी के लिए एक ग्रुप बनाने की घोषणा की है, जिसमें 4 विदेशी लोग होंगे और कुल 7 सदस्य होंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सैम पित्रोदा ने कहा है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव पर नजर रखने की। देश की जनता का ईवीएम से विश्वास उठ गया है, इस पर तो नजर रखा ही जाएगा। इसके साथ ही मतदाता सूची में गड़बड़ियों का जो आरोप लगता है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, और चुनाव आयोग का जो आचरण है, चुनाव आयोग पर जो हमेशा पक्षपात करने का आरोप लगता है उस पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। इन लोगों का कहना है कि जनता साफ साफ डिमांड कर रही है या तो पेपर वैलेट से चुनाव हो या फिर वीवीपैट की 100% पर्चियों का मिलान किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि मामला ये नहीं है कि ईवीएम जैसे सिस्टम को हैक किया जा सकता है या फिर पारदर्शिता की कमी है या फिर सॉफ्टवेयर में कोई कमी है, ये सारे मुद्दे हैं ही नहीं। मुद्दा ये है कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास पुनर्जीवित होना चाहिए। वीवीपैट में किस तरीके की संभावित गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसे लेकर पिछले दिनों हमने भी अतुल पटेल का ये वीडियो, लाइव वीडियो आपको दिखाया था। इन्होंने विशेषकर लोकहित इंडिया के दर्शकों के लिए एक वीडियो बनाकर भेजा था। पिछले दिनों कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ भी इन्होंने ऐसा ही वीडियो लाइव डेमो करके दिखाया था। यदि आपने नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिएगा, और ईवीएम को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।